डॉक्टर ने तो मुझे यही बुला के बोला है कि देखो इनके साथ आज भी कुछ भी हो सकता है, एक महीने के बाद भी कुछ हो सकता है, पांच साल से हम देख रहे हैं और ये तब से हम लोग ये चीज क्रिटिकल है, मम्मी क्रिटिकल है ये देख ही रहे हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग अपने माँ बाप के लिए प्रिपेयर्ड है, नहीं हमें मालूम है कि ये बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है और कुछ भी हो सकता है। आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, हम लोग कितना भी बोल लें कि हम लोग प्रिपेयर्ड है, हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो गई है और आज मम्मी का एक छोटा सा सर्जरी है, मतलब बेसिकली पेक पाइप चेंज होनी है तो उसमें एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, तो वो ज्यादा डोज का नहीं देंगे, लेकिन आज ऐसा सा प्लान किया हुआ है, डॉक्टर्स को पता होगा। हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ, मेरे साथ गीतू है, गीतू मेरे लिए कॉफी लेने के लिए गई है, मैं मम्मी के पास हूँ, वो रही और सो रही है। रात को थोड़ा सा परेशान हुई है, बीच में उठ के वो रोती है, लेकिन वो क्यों रोती है हम में से किसी को पता नहीं है। एनीवे रिपोर्ट्स इनकी कुछ आई हैं जो कि ठीक है, अब बाकी अभी डॉक्टर का फोन आया था, मेन डॉक्टर का, अभी वो दोबारा मुझे फोन करेंगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रही है तो मैं ज्यादा, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं, हमें पता नहीं वो डिस्टर्ब भी हो रही है कि नहीं हो रही है, पर मैं ज्यादा तो उनको तंग नहीं करना चाहती। बाकी आप देखो कि अविनाश क्या कर रहा है, थोड़ा सा इन ब्लॉग्स के साथ मैनेज करना, बिकॉज मैं भी ज्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगी। और इधर ही रात को मेरे कपड़े वपड़े आ गए थे तो मैंने इधर ही, मैं तैयार व्यार हो गई हूँ, गीतू भी तैयार हो गई है, आ रही है अभी, गीतू से मिलवाती हूँ, फिर जो भी आगे की कहानी है वो आपको पता ही है। तो जी मैं भी जा रहा हूँ एक मीटिंग के लिए, एक शूट आने वाला है, उसकी वर्कशॉप है, रिहर्सल है, वो रिहर्सल करके आता हूँ, उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ, ऑटो से ही जाऊंगा सोच रहा हूँ। ये देखो भैया ने ऑटो में कितना अच्छा तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, कितना खूबसूरत, क्या बात है, इससे पॉजिटिविटी आती है। अच्छा ये इसको पूजा करते हैं ना सब? हाँ नहीं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि ऑटो में लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, वेरी नाइस। मेरी कॉफी गीतू लेने के लिए गई हुई थी लेकिन उनका आई नहीं है, लेकिन इनफैक्ट गीतू के लिए चाय ऑर्डर करी थी, चाय भी आई नहीं है। गीतू आ गई, कब से खड़ा हुआ था ये ब्लैक कलर के बैग में लटके? अच्छा अरे यार तेरी चाय नहीं आई अभी तक, तेरे मंगाई नहीं? नहीं मुझे लगा था मैं हद दी है यार, मैं कह रही हूँ चाय क्यों नहीं आ रही अभी तक, चाय क्यों नहीं आ रही? मैंने यहाँ पे कॉफी मंगवाई थी, इतनी खराब कॉफी, इतनी खराब कॉफी दी है, मतलब बिल्कुल पानी, एकदम पानी, और मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो रही है। क्या है? उपमा पोहा, इडली नहीं है, इडली वगैरह तो है क्यों? ये क्या होता है वर्मा सिल ने चाहिए ना, जब वर्मा वो करते कुछ तो करते ऑर्डर, उपमा और पोहा, उपमा ही ठीक है, उपमा कर दे तेरे लिए, पोहा कर दे, हम दोनों मिलके देख लेंगे क्या क्या है। हमने ना नाश्ता ऑर्डर किया था, ये उत्पा भी दे दिया है, उपमा भी दे दिया है, सांबर भी दे दिया है, चटनी भी दे दिया है, आई गेस ये आलू बोंडा भी दे दिया है, इतना खाएगा कौन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जरा खोल के देखा ये कैसा दिख रहा है, मोदक जैसा, अरे बाप रे बाप, इतना खाएगा कौन यार गीतू? मैं हाँ अभी तक भी ओटी में लेके नहीं गए हैं क्योंकि पता नहीं, वेट कर रहे हैं, ड्रिप्स तो इनको चढ़ रही हैं लेकिन अभी ओटी की बारी आई नहीं है, अब वो कब तक लेके जाएंगे हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन अब तक वेट कर रहे हैं जो भी हो रहा है, तो अभी फिलहाल नेबुलाइजर भी दे रहे हैं। जी मम्मी को भी लेके जा रहे हैं हम लोग एक्सरे के लिए और उसके बाद लेके जाएंगे मम्मी के पैक पाइप चेंज करने के लिए। मतलब सुबह से होते होते कितना टाइम हो गया जीजू? दो बज गए जीजू आ गए हैं, गायत्री अभी, मतलब मेरी फ्रेंड जो गीतू है वो अपने घर पे गई है, अब जीजू मेरे साथ हैं। आज भी मेरे को मतलब बड़ा डाउट है कि डिस्चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत डाउटफुल लग रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, टाइम देखते हैं अभी लेके तो जा रहे हैं। देखो तो जी सब उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि भाई ये 3-4 दिन जब मैं नहीं रहूंगी तो टाइम निकाल के 15 मिनट के लिए सही सिर्फ चेरी को जरूर खिला देना नीचे, नहीं तो बेचारी पागल हो जाएगी, उसको इतना शौक है खेलने का। तो अभी चेरी को खिला के फिर मैं जाऊंगा अपनी शूटिंग रेंज, आज मैं करूंगा शूटिंग रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक, रात के सारी फड़ास निकाल के आऊंगा जो इतने दिन से छुट्टी की हुई थी ना मैंने, आज लंबा सेशन करके आऊंगा। घर लौट के जल्दी आने का मतलब है नहीं, कोई इंतजार तो कर नहीं रहा, संभावना तो है नहीं, तो बस चेरी को नीचे से खिला के नीचे से ही गाड़ी लेके निकल जाऊंगा। ओके सर, ओनली 15 राउंड। दीदी कितने राउंड दिलाती है? 15। हम 15 राउंड दिलाएंगे। चलो मामा, मम्मा ने बोला खेली खेली कराने के लिए, ये वीडियो लेके फिर मम्मा को वीडियो भेजना ही है ताकि मम्मा को विश्वास हो जाए पापा खेली खेली करा रहे हैं। चलो गो। वीडियो भेज दिया संभावना को, अब जाके उसको विश्वास हुआ है कि मैं उसको खिला रहा हूँ। ये 15 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल है दिन में भाई, क्या बताऊँ। लोचा और आ गया उसको, अरे लोचा उसको मार रहा है चेरी को। वन मोर टाइम चेरू, 4 more rounds, लेट्स गो। यार देखो लोचा ना बीच में बैठ गया, ये उसके ऊपर जाएगी तो काटने दौड़ेगा इसको।
देखो 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 क्या कर रहा है, लेट के रिझा रहा है चेरी को, यहाँ खेले और खेलने जाएगी तो मार देगा, आंख निकाल देगा मार के। चेरी के पीछे पीछे ये भी बॉल के पीछे भागा है, मैंने देखा, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। क्या हो गया तेरे को, तू संभावना को ढूंढ रहा है क्या? तेरे को लग रहा है वो क्यों नहीं आई? सब समझ रहा हूँ मैं, आजा आजा खिलाऊं तेरे को भी, आजा चेरू। देखो 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 इसमें बॉल पकड़ने की, पकड़ नहीं पाया। चल अभी था लास्ट राउंड, इसके बाद तू इसको ऊपर ले जाना, मैं चला जाऊंगा यहीं से। तुझे आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ, 3 घंटे की ट्रेनिंग, खड़े खड़े पैरों की लकड़ी बाट, अब जाएंगे घर। रात के जी बज चुके हैं 10। सॉरी बीच में व्लॉगिंग कर ही नहीं रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। और मम्मी का फाइनली ये पैक पाइप यहाँ पे चेंज हो गया है, मामा पैक पाइप चेंज हुआ है। अभी जो पैक पाइप चेंज हुआ है ना, देखो ये पेट में लगा होगा, आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये रहा पैक पाइप चेंज हुआ है, ये पेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आज ना इतना टफ डे था हमारे लिए, क्योंकि इनको जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो 5-10 मिनट के बाद डॉक्टर ने मेरे को अंदर बुलाया, और तब तक मेरा ब्रदर भी आ गया था, जीजू थे ही साथ में। तो उन्होंने अंदर बुला के बोला कि भाई एक तो इनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, ये कंफर्म हो गया था, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स में आ गया था कि इनको हल्का सा भी एनेस्थीसिया, बिकॉज इनके 3 ब्रेन स्ट्रोक्स ना, तो आपको पता ही होगा ये चीज की एनेस्थीसिया का फिर बहुत अलग इफेक्ट हो सकता है इन पे, वैसे क्रिटिकल स्टेट में है ये, तो वो नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने बोला कि अभी ये कैसे, अब उनके ना मुंह में से ऐसे पाइप डाल के वो एंडोस्कोपी करनी थी, तो ये दांत ना ऐसे बिल्कुल ऐसा भींच लिए एकदम। और मेरा भाई, मैं सोचो ऑपरेशन थिएटर में हम दोनों को बुलाया अंदर, और एक तरफ से जीजू पकड़ के कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से मैं कर रही हूँ, एक तरफ से भाई कोशिश कर रहा है मुंह खोलने का, ताकि सिर्फ एक वो लग जाए ताकि मुंह से अंदर एंडोस्कोपी कर सके वो, लेकिन इन्होंने मुंह नहीं खोला। मतलब लिटरली हमें एक बार के बाद दिखा कि हमें कोशिश करने में इनका यहाँ से ब्लड आ रहा है लेकिन मुंह नहीं खोल रही, तो इनका ना ये ऑपोजिट रिएक्शन हो गया है कि कोई भी चीज ऐसे मुंह के पास आएगी ना, तो अब इनको ये लगता है कि मुंह बंद कर देना है, मुंह को खोलना नहीं। जैसे हम लोगों के पास कोई चीज आती है तुम खाने के लिए मुंह खोलते हैं ना, इनका ऑपोजिट रिएक्शन हो गया, ये खाना देखती है मुंह बंद कर लेती है, पानी देखती है मुंह बंद कर लेती है। 1 साल हो गया इन्होंने खाना मुंह से खाया नहीं है, तो यही एक रीजन था कि अब इनकी पैक पाइप चेंज करानी थी। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको भी बता देती हूँ कि पैक पाइप उन लोगों के लिए होता है जो मुंह से खाना नहीं खाते, या फिर ब्रेन स्ट्रोक जिनको होता है, या फिर जो भी ऐसे वाले पेशेंट्स होते हैं जो मुंह से कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इनको प्रॉब्लम ऐसा वो है कि ये भूल गई है कि मुझे मुंह से खाना खाना है या पानी पीना है, या इनको वो जरूरत नहीं लगती, या अंदर की जो इनकी जो नसें हैं गले की या कुछ है वो सिकुड़ गई है। डॉक्टर ने तो मुझे यही बुला के बोला है कि देखो इनके साथ आज भी कुछ भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी कुछ हो सकता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल स्टेज में है। और ये क्रिटिकल स्टेज में आपको बता दूं कि डॉक्टर ने तो अब बोला है ना, हमें तो गीतू कितने साल हो गए मम्मी को, 5 साल हो गए, 5 साल से हम देख रहे हैं। तो उसके इनिशियल डेज मेरे पास थी बॉम्बे में, उसके बाद से ब्रदर के पास है, और ये तब से हम लोग ये चीज क्रिटिकल है मम्मी, क्रिटिकल है मम्मी, क्रिटिकल है ये देख ही रहे हैं। लेकिन आज जब ब्रदर वापस आया ना, तो हम लोग बोलते हैं नहीं हम लोग प्रिपेयर्ड है, हम लोग कहते हैं हम लोग अपने माँ बाप के लिए प्रिपेयर्ड है, नहीं हमें मालूम है कि ये बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जब वो आया हॉस्पिटल तो मुझे बोलता है कि डॉली मुझे ना कल रात को नींद नहीं आई है घर पे, मेरे को घर खाली खाली लग रहा था, मैं मम्मी के रूम में जा जाके देख रहा था। तो सोचो कि आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, हम लोग कितना भी बोल लें कि हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। मेरे पापा का जाना वो तो मतलब एकदम शॉकिंग था, वो तो प्रिपेयर्ड से भी दूर की बात थी कि वो बीमार थे या ऐसा कुछ हो गया, तो अचानक ऐसा चीजें हुई पापा के साथ। मम्मी का तो हम 5 साल से प्रिपेयर्ड अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन आई नो जैसे ही हमें ऐसा दिखता है कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है या थोड़ा इनकी पल्स रेट नीचे गई है या ऊपर गई है ना, ऐसे ऐसे धक 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 होने लग जाता है। तो हम जितना भी बोले ना कि हम लोग रेडी हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, रेडी हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, बस जितना हम लोग अपना बेस्ट कर सकते हैं वही कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हमारे हाथ में भी क्या होगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ब्रदर मम्मी को बहुत प्यार करता है, बड़ा वाला मम्मी के लिए वो था इसके ना हमेशा से, तो वो बहुत केयर करता है। और इसी कारण मैं इधर आई हूँ कि अब उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले, जब तक मैं ये जी हॉस्पिटल का पूरा काम मैंने संभाल के रखा है, ताकि
जीजू के साथ मिलके मैं और गीतू है यहाँ पे, तो हम लोग मिलके सारा कुछ कर लें और उसको रेस्ट मिले, क्योंकि फिर घर पे जाएंगी तो वो ऐसे सिस्टम शुरू हो जाएगा। देखो केयर टेकर्स तो अपनी जगह होती है, केयर टेकर्स दिन वाली केयर टेकर होती है, रात वाली केयर टेकर होती है, वो अपना काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ उनको अपना एक आवाज जो है ना, मम्मी हमें पता भी नहीं है कि मम्मी को दिखता है या नहीं दिखता है, हमको ये नहीं पता, क्योंकि न्यूरो के प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज आती है, जैसे इनकी स्पीच नहीं है, आवाज नहीं है, इनका दिखना भी नहीं है, इनके मूवमेंट भी नहीं है, हाथ पैर दोनों जा चुके हैं, इनका मुंह भी नहीं चलता, मतलब खाने के लिए भी नहीं चलता आपको, तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज कब डैमेज होती जाएगी और हो गई हो तो बस ऑल वी कैन से कि प्रे करो कि जितनी चीजें चल रही हैं बस ये सफर ना करें। जब ये सफर करती है ना उसमें हम लोग बहुत सफर करते हैं, और ये बहुत ज्यादा बार मैं व्लॉग्स में नहीं बोलती हूँ, मेरे को भी आई ऑल्सो फील इट इज नॉट राइट, मैं मम्मी को भी ज्यादा नहीं दिखाना चाहती हूँ, आपने देखा होगा मैं बहुत कम वो कर रही हूँ, क्योंकि रीजन इज कि क्या क्या ही कर सकते हैं, और ये बहुत सारे बच्चे इन चीजों से निकल रहे होंगे, जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके घर में न्यूरो केसेस है ना, जिनके माँ बाप के साथ न्यूरो केसेस हुए हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हुए हैं, सिर्फ वो फैमिली समझती हैं, और या फिर बीमारी के केसेस हों, कैंसर के केसेस हों, उन फैमिलीज को पता है कि एक जब पेशेंट घर में होता है आपकी एंटायर फैमिली टूट जाती है, और आप मेंटली फिजिकली इमोशनली हर चीज से बहुत टूट जाते हो। अब जिसके घर में ये प्रॉब्लम नहीं है वो कोई नहीं समझ सकता जो मैं क्या बोल रही हूँ, हम तो बहुत देख चुके हैं, तो बहुत ही देख चुके हैं, हम लोग ये बोलते रहेंगे कि क्रिटिकल है, पता है कुछ हो जाएगा, पता है, लेकिन जैसे पता लगता है ना कि आज क्रिटिकल ज्यादा है तो उससे हमारी धड़कन ना एकदम तेज हो जाती है। सो कितना भी बोल लो कि आप रेडी हो, लेकिन कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए रेडी नहीं होता है। इसकी मदर की लास्ट ईयर डेथ हुई है, नवंबर ना, तो मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ इसकी और इसकी सिस्टर का क्या हाल रहा है। इसकी सिस्टर का आज तक बहुत बुरा हाल है, जैसे मैं मेरे फादर को आज तक मतलब मैं मानने को भी तैयार नहीं होती हूँ, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी आ जाएंगे पापा, कभी भी दरवाजा खुलेगा पापा सामने खड़े होंगे, तो ये ना मतलब मैं अभी लगता है कि अभी मम्मी का फोन आएगा। हाँ, क्योंकि इवनिंग में ना मम्मी फोन करते थे कि मतलब हम कुछ भी लाइफ में अच्छा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब किसके लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मम्मी तो हर चीज में खुश होने वाले, मतलब माँ वो होती है जो बच्चे की हर चीज में खुश होती है, कुछ भी आप कर रहे हो वो खुश है। तो बस वी ऑल आर फेसिंग समथिंग और द अदर इन लाइफ, हम लोग सब फेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, किसी की लाइफ ऐसी नहीं कि ओ माई गॉड क्या फ्लावरी लाइफ है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्ट्रांगली फेस करने की कोशिश करती हूँ। बट मैं आपको ये बता दूं, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट, कभी मौका मिला ना, जो आज तक मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में नहीं बताया है, कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ मेरे फादर की डेथ के बाद क्या हो चुका है लाइफ में, आपको पता ही नहीं है। आप लोग मुझे व्लॉग्स में खुश देखते हो, आप लोग मुझे व्लॉग्स में स्ट्रांग देखते हो, हूँ मैं अपने आपको स्ट्रांग करके वापस इकट्ठा करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया है अंदर, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, मेंटली बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और कभी मौका मिला तो इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी, और उन लोगों से बात करूंगी जो लोग मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, और वही लोग समझ पाएंगे जो इन चीजों से निकल रहे हैं, शायद सब लोग रिलेट ना कर पाए। विद दिस आई एंड दिस व्लॉग, आपको मिलूंगी कल। आज लग रहा था मम्मी को डिस्चार्ज मिलेगा, आज नहीं मिला, कल मिलेगा, कल मम्मी को घर लेके जाएंगे, और एक बार मैंने घर पे सेटल कर दिया तो फिर मैं मुंबई वापस जाऊंगी, क्योंकि मुंबई वापस जाना भी बहुत जरूरी है, तो एक बार मम्मी को बस सेटल कर दिया तो फिर सब सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।